बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। सो टू क्लास, एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीट आवर सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म। हमने अपना फर्स्ट टर्म का सिलेबस टू क्लास कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बच्चों क्या करना है, अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आना है और आपके जो फर्स्ट फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस है वो आपको लेके जाना है, क्योंकि फ़र्स्ट फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स आपके बहुत जल्द होने वाले हैं और उस सिलेबस को अब आपको याद करना है। बस जो सिलेबस आपको दिया गया है बस उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। टू क्लास हर चीज़ उसकी आपको आनी चाहिए, जो एसे एप्लीकेशन लेटर नहीं है, एसे एप्लीकेशन स्टोरी, आपको टू क्लास जो कुछ भी दिया गया ना, दो डेफिनेशंस दी गई हैं वर्ब की और नाउन की, आपको सब चीज़ों को याद करना है। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने जो अपने पेपर्स देने हैं वो बहुत अच्छे देने हैं। उन पेपर्स को अच्छा आप तभी दे सकते हैं जब आप उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाएंगे, याद करेंगे। याद करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़। अगर आपको एक चीज़ नहीं याद होती, आप उस चीज़ को लिखना शुरू कर दें। दिस इज़ फॉर यू ऑल पेरेंट्स। पेरेंट्स ये आपके लिए भी है, एक छोटा सा हिंट है। अगर बच्चे को एक भी चीज़ याद नहीं होती, पहली बात, एक अगर पैराग्राफ है आप उसको लाइन वाइज कर दें, एक लाइन लिख के दें बच्चे को, उन्हें कहें कि इसको आपने 10 दफ़ा लिखना है, 10 दफ़ा बोल बोल के लिखना है। अगर तब भी उसको याद नहीं होता तो आप उसे कहें कि 6 दफ़ा बेटा आंखें बंद करके पढ़ो, तो एक दफ़ा आंखें खोल के पढ़ेगा, दूसरी दफ़ा आंखें खोल के पढ़ेगा, तीसरी दफ़ा वो आंखें बंद करके पढ़ेगा, उसको अपने आप याद हो जाएगा। तो पेरेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव हिंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। यू हैव टू यूज़ इट, यूटिलाइज़ किया करें मेरे छोटे छोटे हिंट्स जो मैं आपको देती हूँ। बाकी आप जानते ही हैं कि सिचुएशंस कैसी चल रही हैं, तो बच्चों ने याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने लगी हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, वो है यूज़ ऑफ इज़ एम आर। इज़ एम आर का इस्तेमाल, ये इज़ कहाँ पर लगेगा, आर कहाँ पे लगेगा, एम कहाँ पे लगेगा। ठीक है, आपके पास कोई भी रफ़ कॉपी अगर मौजूद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास आपकी डिक्टेशन कॉपी मौजूद है आप डिक्टेशन कॉपी पे भी नीट एंड क्लीन काम कर सकते हैं। मैं आपको नीट एंड क्लीन काम करवा रही हूँ, आप किसी रफ़ कॉपी पे कर लें, आप डिक्टेशन कॉपी पे कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, चलें जी काम स्टार्ट करते हैं। टू क्लास, मार्जिन लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लें। टू क्लास आपकी अब जब भी काम शुरू किया करें, चाहे वो रफ़ काम है चाहे वो नीट है, नीट वर्क है, वो आपको मार्जिन लाइन ड्रॉ करके ही करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है, डबल लाइन लगाएं। छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं हम डेट एंड डे लगाते हैं, तो आज है हमारी 18 अगस्त, कोमा 2020। बिल्कुल दरमियान में आप क्लास वर्क लिखेंगे, और सबसे लास्ट पर डे ट्यूसडे। ओके जी, अब काम शुरू करते हैं टॉपिक। टॉपिक आप लोग जानते हैं टू क्लास, सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है हमारा आज का यूज़ ऑफ इज एम आर। ठीक, ये हो गया, अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इज़ की, या पहले एम की बात कर लूँ, एम ज़्यादा इजी है, पहले हम एम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ एम। ठीक है, एम हमेशा यूज़ होता है आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। अगर बात करें कि आई आर या इस के साथ यूज़ होगा तो नहीं होगा, आई हमेशा एम के साथ यूज़ होगा। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसकी एग्जांपल्स लिखूँ तो हम यहाँ पे लिखते हैं आई एम अ बॉय, ठीक, या आई एम अ स्टूडेंट,
ट्रू क्लास आप देख रहे हैं आई के साथ एम यूज़ हो रहा है, आई के साथ एम ही यूज़ होगा, एम के अलावा और कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी। ठीक, फुल स्टॉप आगे ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम इज़। इसको ना एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में आप कलर भी कर सकते हैं, 1-2 क्लास आपकी मर्जी, आप इस बॉक्स में कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे ना प्यारा लगेगा। इसकी बात करते हैं, इस क्या होता है? इस हमेशा एक चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है जो सिंगल चीज़ होती है। लाइक अगर मैं जैसे आई लिखा हुआ है तो आई की जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ही, शी, इट। ही शी इट के साथ इस यूज़ होगा। ठीक है, उसके अलावा दिस, दिस इज, दैट, दैट इज, या कोई भी सिंगुलर चीज़, मतलब कि एक चीज़, कोई भी एक चीज़ के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? इस। इस हमेशा एक चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है, दैट इज़ ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई भी सिंगुलर चीज़। और हम इधर किसी का नाम अगर हम लिख लें तो अली मेहनती लड़का है, अली इज़ आ गुड बॉय या हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है, एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, इन सब की एग्ज़ाम्पल्स लिखेंगे। ठीक है, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। आपने देखना है कि ही के साथ हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, वो है इज़। ठीक, नेक्स्ट पेज। This is a pen, ये एक पेन है। जब एक चीज़ की बात आती है तो हम इस लगाते हैं। ठीक है, अगर लिखा हो वो एक किताब है या वो एक लड़का है तो ही इज़ अ बॉय। ठीक है, अगर बेजान चीज़ है तो वो एक घर है, दैट इज़ अ हाउस। बेजान चीज़ में दिस दैट यूज़ होता है और अगर जानदार चीज़ है तो ही शी यूज़ होता है, दैट इज़ अ हाउस। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाए आर, ए आर ई आर। अब ये किसके साथ यूज़ होता है, इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं। इसमें आप बॉक्स में कलर भी अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, येलो कलर करें, लाइट ब्लू कलर करें, स्काई ब्लू जिसको कहते हैं, पैरेट कलर करें, लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, आर यूज़ होता है हमेशा ज़्यादा चीज़ों के साथ। टू क्लास अब ज़्यादा चीज़ें में आ जाता है, वी, हम, दे, वो, ज़्यादा लोग हों तो दे, यू, आप, इसके साथ भी आर ही यूज़ होता है। इसके अलावा दीस, ज़्यादा चीज़ें हैं तो दीस, और दोस, जैसे सिंगल चीज़ें थी तो हमने दिस और दैट लगाया, उसी तरह अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो दीस और दोस, और उसके साथ ज़्यादा प्लूरल, कोई भी प्लूरल चीज़ें आ जाएं तो हम वहाँ पर आर यूज़ करते हैं। अच्छा चलें, हम फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, वी आर बिजी, हम मसरूफ हैं। ठीक, यू आर इंटेलिजेंट, तुम ज़हीन, आप ज़हीन हैं। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं, दोज आर
balloons. वो गुब्बारे हैं. These are toys. ये खिलौने हैं. ठीक है जी, आर की भी बता दिया मैंने आपको. बेसिकली आर का मतलब होता है, इस का मतलब होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी. इसके एंड पर हम एक लाइन लगा देते हैं क्योंकि हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है. तो हम यहाँ पे डबल लाइन लगा लेते हैं लाइक दिस. ठीक है जी, अब मैं दोबारा एक दफ़ा आपको रिकॉल करवा देती हूँ टू क्लास. देखें, इज़ और एम आर का यूज़ मैंने आपको बताया है आज, या आपने अपनी वर्कबुक में भी पढ़ा था. आप चाहें तो वहाँ से भी एक दफ़ा ये एक्सरसाइज निकाल के अपनी जो ग्रामर की आपकी वर्कबुक है उसमें देख सकते हैं. एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है. आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल. ठीक है, और इज़ हमेशा सिंगल चीज़ के साथ यूज़ होता है. दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ पेन, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, दैट इज़ अ हाउस. ठीक है, आर हमेशा ज़्यादा चीज़ों के साथ यूज़ होता है. वी आर बिज़ी, हम मसरूफ़ हैं. यू आर इंटेलिजेंट, आप ज़हीन हैं. दोज आर बैलून्स, वो गुब्बारे हैं. दीज आर टॉयज, ये खिलौने हैं. ठीक है जी टू क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से पता भी जान चुके होंगे. अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज दे दी जाए तो आप उसको इज़ एम आर के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ. अब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.